जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों दिनांक 29 जून सन 2024 को शनिदेव अपनी राशि कुंभक के अंदर वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 15 नवंबर सन 2024 तक वक्री रहेंगे। तो अपनी राशि कुंभक के अंदर जब शनिदेव वक्री होंगे तो उसका सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या होगा, सत्ता के अंदर उसका क्या परिणाम हो सकता है, राजनीतिक परिणाम क्या हो सकता है, क्या उथल पुथल होगी, ये हम इस अंक में देखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत में देवनिर्णय। दोस्तों शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। तो शनिदेव जब भी वक्री होते हैं तो जो लोग अपराधी किस्म के होते हैं या फिर जिन्होंने पाप कर्म के होते हैं उनको दंड अवश्य मिलता है जब भी शनिदेव वक्री होते हैं। शनिदेव साल में एक बार अवश्य वक्री होते हैं, कम से कम 3 से 4 महीने के लिए वक्री होते ही हैं, हर साल वक्री होते हैं। तो उन लोगों को दंड मिलता है जिन्होंने पाप कर्म किए होते हैं। खासतौर से जिन लोगों की ढैया चल रही होती है या फिर 7.5 चल रही होती है उनके लिए काफी भयानक परिणाम लेकर आते हैं शनिदेव। तो दोस्तों जिन लोगों की ढैया चल रही है, मतलब कि वर्तमान में कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है, और जिनकी 7.5 चल रही है, जैसे कि अभी जो 7.5 चल रही है वो चल रही है मकर राशि पर, कुंभ राशि पर और मीन राशि पर। इसमें से भी जो कुंभ राशि है, मतलब कि यदि आपकी कुंडली में 11 नंबर के साथ में चंद्र लिखा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि हुई, तो कुंभ राशि वाले जो भी लोग हैं उनका परीक्षा का समय, कठिन परीक्षा का समय शनिदेव के वक्री होने पर आएगा और उनको काफी कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। तो दोस्तों कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, इसके अलावा मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शनिदेव का 7.5 और ढैया जिनकी चल रही है उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो उसका जो उपाय है आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा। दोस्तों शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। तो जो कानून से संबंधित लोग हैं, जो वकील हैं, जज हैं, पुलिस है, जिनका कार्य कानून की स्थापना करना होता है, उनका भी परीक्षा का समय आएगा। कानून में कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, संविधान के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों शनिदेव को राजनीति का कारक भी माना जाता है। यदि राजनीति के अंदर आप जाना चाहते हैं तो आप शनिदेव की पोजिशन आपकी कुंडली में काफी अच्छी होनी चाहिए, साथ में राहु की पोजिशन भी काफी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब शनिदेव वक्री होंगे अभी 29 जून के बाद में, तो राजनीति के अंदर काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। आप ये देखेंगे कि कुछ राजनीतिक दलों का जो गठबंधन बना हुआ है वो टूट सकता है, सरकार गिर सकती है कई राज्यों के अंदर, काफी उथल पुथल राजनीतिक मामले के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों शनिदेव को श्रमिक का कारक भी माना जाता है, मतलब कि जो श्रम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका कारक भी शनिदेव को माना जाता है। तो जब शनिदेव वक्री होते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर अति उत्साह आ जाता है, ये बगावत भी कर सकते हैं। तो फैक्ट्रियों के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो श्रमिक लोग, श्रमिक संगठन है, वो आंदोलन भी कर सकते हैं इस अवधि के अंदर। दोस्तों शनिदेव जो है लोहे के कारक भी माने जाते हैं तथा तेल का कारक, पेट्रोलियम का कारक भी माने जाते हैं। तो लोहे के दाम के अंदर बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो पेट्रोल है उसके दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों शनिदेव स्वतंत्र भारत के 6ठे भाव में विराजित है और वहां पर वो वक्री होंगे, तो जो भी दुश्मन देश है उनके लिए काफी खतरनाक साबित होगा, क्योंकि भारत का वर्चस्व बढ़ेगा और सैनिक सामरिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत एक नई उपलब्धि यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। दुश्मन देशों के अंदर कुछ ना कुछ तनातनी देखने को मिल सकती है सीमा के अंदर, लेकिन भारत का वर्चस्व शनिदेव के वक्री होने पर हमेशा बढ़ता आया है। तो इस बार भी जब शनिदेव वक्री होंगे तो भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में बढ़ेगा। दोस्तों शनिदेव जब वक्री होते हैं तो जो उनकी 3 दृष्टियां हैं वो भी काफी खतरनाक हो जाती है। वक्री दृष्टि से वो जिस राशि को देखते हैं उसमें तहस नहस मचा देते हैं। तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ रही है मेष राशि पर, तो जिनकी मेष राशि है उनके लिए काफी दिक्कत परेशानी हो सकती है। काल पुरुष कुंडली के लग्न पर ही शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ जाएगी तो काफी दिक्कत परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ ना कुछ रोग यहाँ पर देखने को मिल सकता है, कार्य धीरे हो सकते हैं जिन लोगों की मेष राशि है। इसके अलावा शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है सिंह राशि पर, तो सरकार के मध्य और जनता के मध्य कुछ ना कुछ विवादास्पद देखने को मिल सकता है। जनता कुछ आंदोलन यहाँ पर कर सकती है। सरकारी नौकर जो भी है, सरकारी काम काज जो भी करते हैं और जो भी नेता है जो सरकार के अंदर है, उनको दिक्कत परेशानी यहाँ पर हो सकती है।
इसके अलावा शनिदेव की जो दसवीं दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, वृश्चिक राशि की पहले ही ढैया चल रही है, वो पहले ही परेशानी में चल रहे हैं, तो उन शनिदेव की दसवीं दृष्टि भी पड़ रही है तो वृश्चिक राशि वालों को विशेषकर काफी नुकसान हो सकता है, तो उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों शनिदेव 11 नंबर की राशि कुंभ राशि के अंदर वक्री होने वाले हैं, तो कुछ ऐसा रोग वहां पर आ सकता है जिसके कारण से जनता काफी हताहत हो सकती है, जैसे कोरोना आया था वैसी कोई महामारी की आशंका भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। शनिदेव की जो दृष्टियां हैं उसके कारण भी दिक्कत परेशानी आ सकती है, सरकार को कुछ दिक्कत परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, सरकारें गिर भी सकती है, सरकारें बन भी सकती है, कुछ ना कुछ राजनीतिक तरीके से भी उठापटक हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शनिदेव की जो दृष्टि है दसवीं दृष्टि है उसके कारण से अचानक से एक्सीडेंट के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, ट्रेन दुर्घटना है, आगजनी है, ये भी हो सकती है। लेकिन शनि के श्राप से देवगुरु बृहस्पति बचा लेते हैं, तो जिनका गुरु अच्छा है कुंडली के अंदर वो बच जाएंगे, गुरुदेव बृहस्पति वर्तमान के अंदर दूसरे नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि के अंदर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं जो कि उनका स्वयं का घर माना जाता है, राशि शत्रु है पर वो स्वयं का घर माना जाता है, तो वहां से वो अपनी कृपा दृष्टि बना सकते हैं। तो जिनका गुरु अच्छा है और शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए शनिदेव की आराधना करना आपको काफी जरूरी है। तो यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि की ढैया चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, या महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या शनि की पोजिशन वर्तमान में गोचर में खराब चल रही है और आपको काफी दिक्कत परेशानी देखने को मिल रही है, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, घर के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी देखने को मिल रही है, तो आप अपने कुंडली का अध्ययन किसी अच्छे ज्योतिष से करवा सकते हैं और लोहे का छल्ला या फिर नीलम धारण कर सकते हैं, ये शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का काफी अच्छा उपाय है, लेकिन उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना काफी जरूरी होता है। इसके अलावा आप शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हैं और जो गरीब है उनको तली हुई चीजों का दान कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय भी आपको कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों शनिदेव के प्रकोप से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके अलावा जो बिल्कुल बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनको कुछ ना कुछ दान दें, उनको चप्पल दान करें, उनको कपड़े दान करें, तो शनिदेव की कृपा उससे अवश्य प्राप्त होगी। आप झूठ ना बोलें, किसी का हक न मारें, दोस्तों के साथ में अच्छा व्यवहार करें, घर के अंदर अच्छा व्यवहार करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो शनिदेव की कृपा आप पर अवश्य होगी, शनिदेव अपने श्राप से आपको मुक्त करेंगे। तो दोस्तों ये था शनिदेव के वक्री होने पर होने वाले परिणामों का एक छोटा सा विश्लेषण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।